दोस्तों, पिछले वीडियो शिवा क्राफ्ट में मैंने अपने मन की बात आपसे शेयर किया था। आप सब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं, यही वजह है कि नया वीडियो आने में देरी हो गई। माफ़ी चाहूँगा। उम्मीद है कि आप लॉकडाउन की वजह से होने वाले कठिनाइयों को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आपको एक कार्डबोर्ड पे इस तरह से फिश की ड्राइंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। कट करके इसे हम एक तरफ रख देंगे। अब हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कार्डबोर्ड, रफ वाला कार्डबोर्ड, कोई भी पुराने गत्ते का टुकड़ा हो, और एक हमें मोटे धागे की ज़रूरत पड़ेगी। ये किसी भी हार्डवेयर के स्टोर में मिल जाएगा। साथ में हमें फेविकोल की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में सैंड पेपर। इसका नंबर आप नोट कर ले। ये किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। और इसके साथ हमें चाहिए मार्बल पाउडर। अगर आपके पास मार्बल पाउडर ना हो तो फेविक्रिल का 3D आउटलाइनर से भी हम काम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए JK वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी अलग होता है, ये वाइट सीमेंट नहीं होता, ये POP नहीं होता। हम इसी से डो बनाएंगे। इसके साथ हमें चाहिए कुछ एक्रेलिक कलर्स, साथ में कुछ मिरर चाहिए, जो 5 रुपये का आपको किसी भी स्टेशनरी दुकान पे आपको मिल जाएगा। साथ में एक स्पंज का टुकड़ा भी चाहिए। इसी से हम बाद में मेटालिक कलर का इफ़ेक्ट देंगे। तो इस तरह का आपको मिरर चाहिए, ये 5 से 10 रुपये का मिल जाता है। दोस्तों, ये सारे सामान आप इकट्ठे कर लें। उसके बाद जो फिश है उसकी ड्राइंग कार्डबोर्ड पर कर ले और 2 पीसेस कट कर ले इस तरीके से, और हम इसे एक तरफ रख देते हैं। अब हमें 1 चम्मच वॉल पुट्टी का पाउडर लेना है और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे हम जैसा टूथपेस्ट होता है वैसा घोल बनाना है। और इसमें कोशिश करें कि लंफ ना रहे, बिल्कुल स्मूथ बन जाए। और जो आपने फिश की ड्राइंग करी थी उसके जो फिन है उसी साइज़ के सारे धागे काट कर और इस घोल में हम उसे डिप करेंगे। और जो हमारे जो फिश है उसके ऊपर हम इसे हम रख देंगे। जितने भी हमने फिन बनाए हैं उन सबको इसी तरीके से हम डिप करके इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, कम्प्लीटली सूखने देंगे। ये सूख गया है तो अब आप इसे आराम से निकाल लें। अगर इसके शेप थोड़े से इधर उधर भी हो जाए तो आप चिंता ना करें, आप दोबारा इस पर कोट कर सकते हैं, ये दोबारा फिर से टाइट हो जाएंगे। तो आराम आराम से इसे निकाल ले और बिल्कुल चिंता ना करें, ये फिर से दोबारा आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से सारे निकाल ले और एक तरफ रख दे। जब सारे निकाल लेंगे तो सावधानी से जो आपने ड्राइंग किया था उससे उस कंपोजिशन को देखते हुए जो कार्डबोर्ड है उस पर आप इसे हम बिठा लेंगे। तो कंपोजिशन जैसे हमने बनाए थे वैसे हम बैठा लेंगे इस पर। और जो वॉल पुट्टी का गाढ़ा घोल है उसे हम उस पर लगाकर जो दूसरा शीट है उसे हम इस तरह चिपका लेंगे। एक और हम शीट काट लेंगे ताकि फिश की थिकनेस और थोड़ी सी बढ़ जाए। तो इस तरीके से वॉल पुट्टी के गाढ़े घोल से एक और हम शीट चिपका लेंगे। अब हमें
वॉल पुट्टी के पाउडर से एक अच्छा सा डो बनाना है। ये डो बनाने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप अच्छे तरीके से देख लें और फॉलो करें। डो इस तरीके का बनना चाहिए। ये डो बहुत ही मुलायम बनता है और हाथों में बिल्कुल चिपकेगा नहीं। ये डो 2 घंटे तक स्टेबल होता है। इससे आपको एक शीट बनानी होगी और शीट बनाकर जो आपने फिश की ड्राइंग करी है अभी और जो कंपोजिशन बनाया है उसके ऊपर इसे रख देना है। बस इसे रख देना है। ये अगर आपका डो सही बना है तो बिल्कुल क्रैक नहीं होगा और इसे आपको सूखने के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल वाइट होने देना है। ये दोनों तरफ लग गया है, सूख भी गया है, तो जो हमारे जो गैप्स बचे पड़े हैं उन्हें भी हम भर लेंगे वॉल पुट्टी के डो से और इन्हें भी हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे लेयर वाइज लेयर फिनिशिंग कर ले और फिश का जो शेप है वो अच्छी तरीके से दे दे। ये दोनों सूख गए हैं। सूखने के बाद जो आपको सैंड पेपर दिखाया था उस सैंड पेपर से आप इसे फिनिश करें और इसके जो पाउडर है उसको साफ कर ले। पाउडर के साफ हो जाने के बाद मनपसंद ड्राइंग कर ले। आपको जो ड्राइंग पसंद है उसी हिसाब से ड्राइंग कर ले और इसे वॉल पुट्टी के डो से बना ले। जो आपने ड्राइंग किया है उसी को फॉलो करते हुए बना ले। दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं उसे आप सूखने दें, फिर आप दूसरा लेयर करें। दोस्तों, बाकी की जो डिटेलिंग है वो हम मार्बल पाउडर और फेविकोल के पेस्ट से कोन में भरकर डिज़ाइन बनाकर करेंगे। ये कोन कैसे बनता है, ये मार्बल पाउडर और फेविकोल का जो पेस्ट है वो कैसे बनता है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया है, आप वहाँ अच्छी तरीके से समझ ले। तो इस तरीके से सारी डिटेलिंग आप कर ले। बीच बीच में देखते रहें कि जो कोन का जो फ्लो है वो सही है या नहीं। तो इस तरीके से आपकी डिटेलिंग हो जाएगी। अब क्राफ्ट को अच्छे तरीके से सूखने दे, फिर एक्रेलिक ब्लैक कलर से जो मार्बल पाउडर और फेविकोल का जो पेस्ट से आपने डिटेलिंग की है उसे हम ब्लैक कलर से करेंगे। जब ब्लैक कलर सूख जाए तो ब्रॉन्ज एक्रेलिक कलर से स्पंज पर कलर लगाकर हम इसे निकालेंगे। ये हमारा डिज़ाइन आसानी से निकल जाएगा और बिल्कुल मेटालिक लुक देगा। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा वाला है उसे हम सिल्वर कलर कर लेंगे। बीच वाले पार्ट को मनपसंद कलर से कर लें, चाहे तो पेस्टल कलर से कर सकते हैं, चाहे तो मल्टी कलर से भी कर सकते हैं। वॉल पुट्टी और फेविकोल का गाढ़ा पेस्ट बना ले और जो फिश आपने क्राफ्ट तैयार किया है उसके सेंटर में जो बर्फी वाले मिरर हैं उसे इसकी सहायता से पेस्ट करें। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा कंपोजिशन तैयार हो जाएगा। फिर थोड़ी सी आँख वाँख की भी डिटेलिंग कर ले, पेस्ट कर ले, पहले से बना कर रखें और उसे हम पेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, बेहद कम खर्चे में बना ये क्राफ्ट तैयार है। आप इसे 6 या 8 के सेट में बनाएं और कलर कम्बिनेशन ब्राइट या पेस्टल कलर में रख सकते हैं। इसे बालकनी या ऐसी जगह पर लगाएं जहां सूरज की किरणें सबसे पहले आती हों।
जैसे ही मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा, चारों तरफ एक अद्भुत प्रकाश का इल्यूजन आपको महसूस होगा। मूव करने पे इसके मिरर्स के रिफ्लेक्शन से आपके मन में आशा और पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जो इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद है कि जगमगाहट भरी रोशनी में कुछ देर गुजारेंगे अपने क्राफ्ट के साथ और थोड़ी देर के लिए भूल जाएं अपनी चिंताओं को और खो जाएं अपनी क्राफ्ट की दुनिया में। यही वो पल है जो अनमोल है। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि बिल्कुल कम खर्चे में बनने वाले क्राफ्ट वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। क्राफ्ट करने के साथ साथ आप सुरक्षित भी रहें, यही मेरी कामना है। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।